बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र देखिए यहाँ बात करने वाले हैं, HPU यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। HPU यूनिवर्सिटी है तो इसका पेपर हुआ है BCOM फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का, जो देख सकते हैं ठीक है। तो जो UG फर्स्ट ईयर में है, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर बोल सकते हैं इसको, इसका पेपर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है और आपका पेपर का कोड यहाँ दे रखा है ठीक है। वहीं बात की जाए 3 घंटे का सोल्यूशन करना था। अब यहाँ जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है उसका 50 नंबर का पेपर होगा और जो ICDEOL से रिलेटेड जो पेपर थे, मतलब स्टूडेंट हैं, उनका 100 नंबर का ये पेपर माना जाएगा। तो यहाँ बात करने वाले हैं अब कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चन दिए थे वो पेपर में आए थे या फिर नहीं आए थे, वो हम बात करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ बात करने वाले हैं, देखो यहाँ जो बोला गया है 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है और जैसे ही आपके पेपर हुआ करें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है 7037327838 और 38, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर की फोटो खींच कर सेंड कर दिया करो ठीक है, ताकि मैं उसका रिव्यू करा सकूं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जो छात्र नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स का लिंक हमारी वेबसाइट पर दे रखा है paperhacker.in। आप जाएंगे सर्च करेंगे paperhacker.in ठीक है, paperhacker इस तरीके से paperhacker.in ठीक है .in सर्च करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि विनियोक्ताकर्ताओं के को किस प्रकार लेखांकन सूचना की आवश्यकता पड़ती है। जो विनियोगकर्ता होते हैं उनको किस प्रकार के लेखांकन सूचना की आवश्यकता पड़ती है वो आपको बताना है। साथ ही साथ यहाँ देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे यदि क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन है, इसका आपको सोल्यूशन करना है। अब यहाँ देख लीजिए, ये देखिए यहाँ बोला गया है 31 मार्च 2005 को पुस्तक को बंद करने के पश्चात निम्नलिखित शेष थे, इतने से लेकर यहाँ तक की बोध की गई है। जो पुस्तकों हैं उनको बंद करने के बाद में इतना उनको जो नगद राशि पूंजी वगैरह दे रखा है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन के बाद में एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन और दे रखा है, देखिए यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन दे रखा है और इसका आपका हिंदी चाहते तो हिंदी देखो यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन बोला गया है जिसका भी ये पेपर है, तो आप सभी लोग छात्रों को जितना भी होने वाला है तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर सोल्यूशन कर लेना, इनका आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ बोला गया है कह सकते हैं स्थगित आगम व्यय का क्या आस होता है, मतलब कि परिभाषा बताने, आगम व्यय होता है जो स्थगित आगम व्यय होते हैं उसकी परिभाषा आपको बताना है। वहीं आपसे बनाया किराया, यहाँ बोला गया है किराया क्रय जो पद्धति होती है उसकी परिभाषा उसकी विशेषता के बारे में आपको याद कर लेना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशोध कमीशन को समझाइए, परिशोध कमीशन क्या होता है उसके बारे में आपको देख लेना है। फर्म के समापन तथा साझेदारी के समापन के बीच में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। देखिए वहीं ये क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो प्रधान, ये क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करना था कि प्रधान कार्यालय में जो शाखा को इतने रुपए का माल बीजक मूल्य पर भेजा, और यहाँ कह रहा है प्रधान जो कार्यालय में शाखा से लागत में इतने परसेंट जोड़कर वसूल लिया, 10% जोड़ा इसका, देखो 2,20,000 का 10% उन्होंने जोड़ा, उसके बाद में उन्होंने वसूल लिया, मतलब कि भाई 2,20 और 20% का, और मतलब कि 10% आपको निकालना है इसका, 10% निकाल दीजिए निकल जाएगा, देखो लगभग बता दूँ कितना आएगा, 0,0 4,0 है तो 4,0×10/100 काट दीजिए, 10% हो जाएगा, 1,0 काटेंगे तो देखिए 21,250,000 मतलब आ जाएगा तुम्हारा 22,000 बोल सकते हैं, 4,0 है हाँ 22,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 10% ब्याज इतना होगा 22,000 हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से आपको जैसे 2,20,000 का जो ब्याज होगा वो 22,000 हो जाएगा, तो 22,000 10% होगा तो वसूल लिया गया प्लस में, और प्रधान कार्यालय द्वारा वसूले गए लाभ की गणना करनी है, जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है वसूली द्वारा, तो 2,00,000 ऐसे कह सकते हैं 22,000 लाभ तो हुआ है वो आपको प्रॉफिट यहाँ दिखाना है। वहीं दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि लेखांकन होता है जो एडिटिंग होता है उसकी परिभाषा बतानी है, और उनके यहाँ बोला गया लेखांकन के रोकड़ आधार और उपार्जन आधार पर आपको अंतर बताना है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन ना कर सको तो इसका अथवाला क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं जो तलवट होता है उसे किसे कहते हैं, तलवट की परिभाषा और तलपट द्वारा प्रकृत होने वाले अशुद्धियों का वर्णन करना है, ये क्वेश्चन बोला गया है, जिसे बोलते हैं जो ट्रल बैलेंस होता है, ट्रल बैलेंस बोल सकते हैं इसको, उसके बारे में आपको देख लेना।
यदि उसके दूसरी इकाई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एफ आई एफ ओ एल आई एफ ओ का आपको व्याख्या करना है, इन दोनों की परिभाषा बता देनी है, दोनों में दोनों पर जो कह सकते हैं गिरती और बढ़ती कीमतों पर प्रभाव क्या पड़ता है वो आपको देख लेना है। यदि ये क्वेश्चन आप पे ना हो तो ये इसका न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आप यहाँ से लेकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे ये इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका ये हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके देखो ये 10 नंबर का है क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए चौथा जो क्वेश्चन बोला गया है यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। यदि ये क्वेश्चन ना कर सके तो इसका अर्थ वाला क्वेश्चन देखो, प्रेषण व्यवसाय क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन हमने इंपोर्टेंट दिए थे, वही क्वेश्चन पेपर में आए, यहाँ से लेकर इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, आप जैसा चाहे इसका हिंदी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसके चौथी यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये भी 10 नंबर का है, और शाखा कितने कह रहा है कितने प्रकार की होती है, शाखाएँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, जैसे ब्रांच कह सकते हैं, और यहाँ कह रहा है कि ब्रांच होती हैं जो शाखा होती हैं, शाखा के खाते रखने की जो स्टॉक एंड देनदार होती है उन प्रणाली के बारे में आपको बेचना करनी है। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ का से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं, और इसके बाद में इसका हिंदी का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, और अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो ये पूरा पेपर आपको मैंने बता दिया। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस के जितने पेपर हुआ करें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037327838 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सेंड कर दिया करो, ताकि जो भी दिक्कत आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए, कोई भी पेपर आता है वो आपको मिल जाए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।